सभी साथी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय वाल्मीकि। कैसे भी छुप छुपा करके और मैं आज पहुंचा हूं भूलगढ़ी। भूलगढ़ी में हमारी जो बहन मनीषा के साथ जो अत्याचार और वो हुआ था, उसके लिए सभी हमारे भाई और माँ बापों से मिलने के लिए उनके ध्यान ले रहा हूँ कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। आप सुनिएगा इन लोगों की बात। हमारे बीच में हमारी मातृशक्ति जो बताएंगी उनके साथ अभी भी SDM और DM आकर के SP आकर के इन पर कितना बड़ा प्रेशर और दबाव दे रहे हैं। ये घर की स्थिति है, ये देखो सुनिएगा। मतलब हमारे साथ तो बताइए आप क्या मामला चल रहा है। साहब आए थे ना तो हम लोगों ने उनसे बोला आप लोगों ने बॉडी क्यों नहीं दिखाई। हम लोग मतलब इतना परेशान हो रहे थे तो बोल रहे थे उनका, जैसे वो बोलते ही नहीं है सही से, वो ना छीक के बोलते हैं। अलग डांट मतलब कि डांट देते हैं, चुप कर लेते हैं कि आप चुप रहिए, मैं उनसे बात कर रहे हैं। वो सिर्फ जो पिताजी है ना उनसे ही बात करते हैं। उन पर प्रेशर बना संतुष्ट थे तो हमने ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब उनसे ही बात करते हैं, किसी और को बोलने नहीं देते, क्योंकि वो स्थिति में ही नहीं है बोलने की। हाँ वो तो आप लोगों को भी बताए कि उनके ऊपर क्या बीती है। आप सिर्फ अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर कितना बड़ा तूफान आया हुआ है इस बात का। पूरी तरह से प्रेशर बना रहे हैं ये लोग के DM साहब, EDM साहब जो SP साहब भी पूरा तरह से हमारे घर पे 24 घंटे एकदम जैसे ताक रहे, जैसे हम लोग ही अपराधी हैं, ऐसी तरह से हम लोग को उद्योग कर रहे हैं। और हमने अपने बहन की डेड बॉडी के लिए बोला तो बोला अगर ये बताइए अगर उसको कोरोना से मर जाती तो आपको कुछ मिलता, ऐसे मुआवजा मिलता, ऐसे ऐसे हमसे भी ऐसे शब्द बोल रहे हैं आप, क्योंकि कोरोना से मर जाती तो आपको कुछ मिलता, मतलब इस सरकार में इतना ऐसे ऐसे शब्द भी बोले जा रहे हैं। बताइए ऐसे बोला, अब कोई भी हमारे यहाँ से कोई बोलता है तो हमारी बहन बेटी कोई बोलती है तो उनको चुप करा देती है, आप चुप रहिए हमें बात क्यों करनी दे रही है। अपनी पोस्ट बता रहे हैं कि हम आज इतनी बड़े उस पे बैठे हैं, किस वजह से बैठे, 1 करोड़ की आबादी में बैठे हैं, तो इतने पढ़े लिखे हैं। आज 8 साल की हम सर्विस में हैं, हमारे से ज्यादा तुम लोगों को ज्ञान है। पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो क्या? बॉडी देख सकते थे तुम लोग, क्यों नहीं देख सकते? एक माँ से ज्यादा बच्ची के लिए क्या बड़ी चीज होती है बता? बच्चा कितना इम्पोर्टेंट होता है माँ के लिए, माँ ही जान सकती है ना, हम लोग तो नहीं जान सकते। नहीं दिखाया और रात में कहा करते अपने आप ही कहा करते उन्होंने मट्टी, ये चारों मौजूद थे, ये DM SDM EDM इतना प्रेशर था और SP ये चारों मौजूद थे उस टाइम में जब इनको डेड लेके गया था। तो इन्होंने तुमको जाने नहीं दिया? नहीं दिया हमें, उन्होंने ऐसे ही आग लगा दी। हमने बोला था मतलब डीजल वीजल डाल के इस तरीके से बनाया है, रात में उनको जला दिया। और ये भी नहीं बताइए जो बहन की जो बॉडी थी वो हमारी थी या किसी और की, हमें तो एम्बुलेंस तो जाने दिया, अगर जाने हमारी बहन बेटी गई थी आपको तो उनको लेडीज पुलिस और उनके जो कॉन्स्टेबल उन्होंने ठाक पटक दिया, और मेरे ससुर जी उनकी छाती पर लात भी मारी कॉन्स्टेबल ने, उनका दर्द भी हो रहा है अभी भी। तो बताओ ये कैसा हमारा न्याय हो रहा है? ये हमारा न्याय नहीं हो रहा। अधिकारी आए प्रेशर बना के हमें चंपा की बोल के बोले के कहा गया था चलो योगी जी किसी बात कराएंगे, पर हमें वहाँ में ले जाके सीधे कहा गया था PWD में लेके पहुँचे, वहाँ जाके कोई पुलिस वाला तो नहीं आ गया, वहाँ मतलब पूरा प्रेशर बना के और कहा गया था हमसे कहा गया था वो उसमें साइन करा लिए और कहा के थे हमने कोई सर मैं बोलना चाह रहे क्या DM साहब 25 लाख में अपनी लड़की की बॉडी बेच देंगे? आप बताइए, ये बोलते हैं एक मकान में 25 लाख रुपया देंगे, इतना तुम्हारे लिए मुआवजे के लिए कम है? हम लोग ये सब कुछ सोचा आगे जाएंगे, अगर जो DM साहब की अगर बेटी के साथ ऐसा हुआ वो तो क्या वो बर्दाश्त कर पाते? वो बोलते हैं कि ईंट लगने की वजह से उनके गर्दन की हड्डी टूटी है, रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है, कोई चोट नहीं है, गले में चोट की वजह से वो लड़की मर गई। तो इतने दिन हॉस्पिटल में क्यों रख रखा उन्हें?
चाहिए बिना किसी उसके ब्रेक हुआ नहीं हो कुछ नहीं हुआ तो उसकी वजह क्या थी मौत की, फिर बॉडी क्यों नहीं दिखाई दी, हम लोग चीख चीख के मरते रहे। और ये लोग मिले हुए कल एडीएम साहब जो 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 हमारे अपराधी उनके माँ बापों से मिल रहे हैं उनसे ये उनसे कर रहे हैं कि हम आप चिंता न करें हम तुम्हारे पूरी तरह साथ पूरी मदद करेंगे पूरी मदद करेंगे। जो हमारे विपक्ष पार्टी है जो लड़के अपराधी उनके माँ बापों से बात करने जा जाके ये लोग हम तुम्हारे साथ हैं हर चीज़ की कोई चिंता नहीं हम पूरा पूरा उन पर दबाव बना रहे हैं। और हाँ कोई अधिकारी भी कहा तो वहाँ से बात करिए कि बॉडी सुरक्षित है या नहीं है, जहाँ पोस्टमार्टम हुआ है हमें नहीं मालूम है कि कहा तो बॉडी वही थी। आपको ये मालूम नहीं कि बॉडी कौन सी थी, वो बॉडी लेके आए या कुछ और लेके आए उसमें? आपने चेहरा नहीं देखा ना आपने कुछ देखा, बॉडी को केवल ये देखा है कि यहाँ पर कोई पुतला जैसा कोई चीज़ आ चुकी है यहाँ पर, आपने केवल इतना ही देखा, आपने अपने अपनी बेटी का कोई चेहरा या कोई कुछ नहीं देख पाया? उसकी जो डॉट बोर्ड थे वो ऐसे जला दी जैसे कोई लावारिस जला देती है, ऐसे हिसाब से पेट्रोल छिड़क के डीजल वीजल छिड़क के, और वहाँ पर जो पुलिस के जो अधिकारी कुछ लगते हैं वहाँ पर हंस भी रहते हैं उस समय। ठीक है तो कोई बात नहीं, वो यहाँ पर बड़ी सुरक्षा के हिसाब से छुप छुपा के करके हम यहाँ पर आया हूँ। मैं भीम आर्मी से मंडल संगठन सचिव कमल सिंह वालिया मेरा नाम है, और ऐसे ही आता रहूँगा आपके बयान लेता रहूँगा। जय भीम। नरोद बोला है कि मतलब कि वो केस ना रात का है, मतलब रात में 9:30 बजे केस हुआ है, मतलब यहाँ बताओगे रात में आधी रात हो जाती है 7 बजे अंधेरा हो जाता है तो 9:30 बजे कितना अंधेरा होता होगा गाँव के लोग, रात में कौन जाता है चारा काटने? ये तो फिर उन्होंने बोला है कि लड़के ने जो ठाकुर लड़का था वो उन्होंने आके लड़की को सिर्फ छेड़ा है उसकी गर्दन पकड़ी तो इतनी देर में उसकी माँ चिल्ला पड़ी है, उसका छोटा भाई आया है और लड़का भाग गया है वो ऐसे, मतलब डीएम साहब ने बोला है वहाँ पर ईंट पड़ी थी और ईंट के ऊपर गिरी है उसकी गर्दन टूट गई है, यहाँ ईट लग के उसकी जीव आ गई है मुझे। डीएम साहब से ये पूछिए कि वो रात में घास काटने जा सकते हैं रात में, लेकिन आप जो मतलब आप लड़की को जैसे ले गए थे मनीषा बहन को तो कै बजे लेके पहुंचे थे हम आप जो है जैसे हमारे भीम आर्मी के व्यक्ति वहाँ पहुंचे उन्होंने एडमिट कराया हॉस्पिटल में ले जा करके, तो कितने बजे पहुंचे थे आप वहाँ पर? हम लोग करीब 10 बजे 10:30 बजे पहुंचे थे, सुबह 10:30 बजे तो पहुंचे थे आप हॉस्पिटल जी, मुझे मैं भी था उसमें। लेकिन ये जो है डीएम और एसडीएम और ये मनुवादी जी सरकार पूरा मिला हुआ है, पूरा एकदम से मिला हुआ है, और हमारी बहन मनीषा को न्याय दिलाने न दिलाने का काम कर रही है पूरा पूरा पूरी सरकार, ये निकम्मी सरकार ये छुपाना चाह रही है कि ऐसे ये अत्याचार हुआ ही नहीं है, इस तरीके से चल रही है ये सुबह का केस है, बता रहे रात का केस है। और वीडियो बना रखी है उन्हें पहले की, मतलब 14-15 तारीख की वीडियो है मामी की, वो वीडियो बना रखी है तो उसे दिखा रहे थे कि मतलब जो स्पष्ट ही नहीं हुआ कि क्या हुआ लड़की के साथ, तो उसको वीडियो दिखा के वो बोल रहे थे कि इसे कोर्ट में दिखाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, सब पूरा केस बदल दूंगा, पूरा केस बदल दूंगा, ये सब खरीद ली जाएगी, ये सब डीएम साहब ये सब मेरे हाथ, ये सब हमारे हाथ में है, मैं सभी अधिकारी आप लड़की के भाई हूँ। अच्छा भाई आप? मैं पिता हूँ। अच्छा और आप? मैं आज आवाज उठा रही हूँ, हमेशा उठाती रहूंगी, हमेशा मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। आप भाई? हाँ भाई। चलो।